जब मैं गई देखा तो वहाँ सांप का छोटा सा बच्चा घूम रहा है। इस बार जो लास्ट मैंने हिट किया है उसको, डंडे से मारा है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरी और मेरा सर बहुत ज़्यादा जोर की लगा है। देख कर चीखें मारने शुरू हो गई। उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा खून आलूद हूँ मैं, नाक से, कानों से, पेट के ऊपर भी इतना ज़्यादा खून फील हो रहा है। पेट के ऊपर नाफ के? जी बिल्कुल, ऐसे नाफ से खून ऐसे निकल रहा है जैसे पता नहीं कि कितना मेरे अंदर खून है और वो सारा वेस्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी है फातिमा की। फातिमा ने अपने घर के सेन में एक सांप के बच्चे को जब मारते ही इसको इतने ज़ोर का धक्का लगा और उसके बाद रात को रोज़ इसके कानों से और इसके नाफ से खून आता है। क्यों ऐसा होता है और क्यों इसके बाल गिरने लगे, वो सब इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा फातिमा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने एक सांप के बच्चे को मारा और उसके बाद आपकी कानों से और आपकी नाफ से खून आने लग गया? ये बिल्कुल सच्चाई है। वो वक़्त बहुत ज़्यादा खौफनाक है और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। इसमें ये था कि एक दिन मैं शाम को घर पर अकेली थी, घर वाले बाहर गए हुए थे कोई ना कोई काम से, तो मैंने रेंगने की आवाज़ सुनी कि कोई चीज़ जैसे सहन में घूम रही है। अच्छा। मैंने जाके देखना चाहा, देखा कि कोई शायद बिल्ली वगैरह है, उसको भगा दूंगी, कोई चीज़ ना ख़राब कर दे। पर जब मैं गई देखा तो वहाँ सांप का छोटा सा बच्चा घूम रहा है, वो रेंग रहा था वहाँ पे। मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गई, आई ये अभी कहाँ से आ गए। मैंने बाहर से भाई बहनों को आवाज़ दी है और बुलवाने की कोशिश की है ताकि उसको मार के भगा दें किसी तरह ना, ये सहन से चला जाए, पर जो कि कोई बाहर नहीं था। फिर मैंने इधर उधर देखा घर पे, जो आपको पता है औजार मिलते हैं, झाड़ू या डंडा, जो भी मुझे मिला मैंने उसको मारने की कोशिश की। जब मैंने फर्स्ट उसको हिट किया है तो मुझे एकदम से झटका लगा कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, उसको मारते ही आपको झटका लगा? जी, पता नहीं शायद क्या था उसमें। बहरहाल मैंने फिर उठ के कोशिश की कि उसको जोर, इस बार जो लास्ट मैंने हिट किया है उसको, डंडे से मारा है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरी और मेरा सर बहुत ज़्यादा ज़ोर की लगा है। अच्छा, पर वो वहाँ मर गया, उसको मैंने फेंक दिया बाहर। उसके बाद जब घर आप चेक करें, कह रहे हैं जब मैंने उसे लास्ट डंडा मारा तो मैं तकरीबन दूर जाके गिरी हूँ, तो पता नहीं वो क्या था। खैर, आप फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया और घर वाले आए हैं। मैंने अपनी अम्मी को बताया और किसी को ये चीज़ नहीं बताई। घर वाले कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या चीज़ है, तो जी बेसिकली सब डर ना जाए इसलिए इग्नोर किया। उसके बाद मैं रात को सोई हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ तो जैसे गीले गीले फील हो रही है, पेन का एहसास हो रहा है मुझे, मैंने समझ नहीं पा रही। मैंने करवट बदली है, मेरे साथ मेरी वालदा लेटी होती हैं, उन्होंने देखा है कि बिस्तर पे खून है और जब उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा वहाँ, वो देखकर चीखें मारने शुरू हो गई। उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा खून आलूद हूँ मैं, नाक से, कानों से, पेट के ऊपर भी इतना ज़्यादा खून फील हो रहा है। पेट के ऊपर नाफ के? जी बिल्कुल, ऐसे नाफ से खून ऐसे निकल रहा है जैसे पता नहीं कि कितना मेरे अंदर खून है और वो सारा वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से था और बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। भाई वगैरह सब फौरी तौर पर हॉस्पिटल गए हैं। जब हॉस्पिटल गए डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, हम सारी रात हॉस्पिटल में रहे हैं, ड्रिप्स लगाई हैं पर खून रुकना बंद नहीं हुआ। जैसे सुबह का सूरज निकला, फजर टाइम की बात है, फौरी तौर पे सब चीज़ें बंद हो गई, कोई खून नहीं आ रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर के पास गई? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर्स भी देख के शौक हो गए कि क्या माजरा है, ये कैसे हो सकता है, लड़की को कोई मसला नहीं था, बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी हुई है, किसी किस्म की कोई भी सूजन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और कैसे हो सकता है? कान ठीक थे अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, नेगेटिव कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फजर टाइम जब सब ने देखा ये तो सब ख़त्म हो गया है, मतलब कोई भी खून नहीं है, सब घर चले गए, सब डॉक्टर ने कहा डिस्चार्ज कर दिया कि आप जाएं, शायद वैसे ही हो कोई मसला, अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। जब मैं घर गई हूँ, घर जाके सब नॉर्मल था, जैसे ही मगरिब का टाइम शुरू हुआ उसी टाइम फिर यही सब माजरा, यही सब, मैंने चीखों पुकार शुरू कर दी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, खून को देख के मुझे चक्कर आ रहे थे, पागलपन हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान जैसे फुल पागल हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वाले परेशान कि क्या माजरा हो रहा है। इसी तरह ये स्टिल एक हफ्ता तक चलता रहा।
बस मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, रोती थी। आप डॉक्टरों के पास चले गई, कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे दिया, उन्होंने कहा हमारे पास का कोई इलाज नहीं है, या आप किसी पीर फकीर के पास जाएं, उनसे पता करें ये क्या मजा है। घर पे सब बैठे हुए थे, भाई और बाबा, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ पिछले दिनों में जो ये माजरा हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा तो कुछ खास नहीं, बस एक सांप का बच्चा घर में घुसाया था, मैंने उसको मारा। जब मैंने उसको मारा उसकी वजह से मुझे धक्का बहुत ज़ोर के लगा, मेरे सर पे भी चोट लगी थी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तब से सर में बहुत पेन है। तो उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू है। वाले साहब बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा ये तो कोई असेब ना हो, कोई चीज़ ना हो जिसको तुमने जख्मी। इज़्तिहा होते हैं सांप? जी ऐसा ये होते हैं, पर तब तक हमें आइडिया नहीं था। हमने फिर जाके करीबी अबू के दोस्त थे उनसे जाके बात की, उन्हें बताया कि इससे इस तरीके से माजरा हुआ है। कौन थे वो? वो एक सैयद हैं, सैयद बादशाह, नॉर्मल सिंपल से वो हैं इंसान, पर अल्लाह पाक की तरफ से आपको पता है जिसको शिफा मिली हो, जिसके हाथ में हो इंसान, उनके पास मैं गई, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह से मैंने किया। उन्होंने कहा बेटे तूने सांप नहीं मारा, तूने अज़्हा मारा है, जाने जाने में तूने तुझे पता नहीं क्या कर दिया, अब उसी की सज़ा तुझे मिल रही है, अब वो तेरे पीछे ही पड़ गई है चीज़। अल्लाह अकबर। अच्छा, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रही। घर वालों ने भी कहा, हौसला दिया, बेटा कुछ नहीं होता। उस अंकल ने कहा बेटा तू आयत करीमा पढ़नी शुरू कर दे, आयत करीमा से ये होगा कि तेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी, तो शफा मिलेगी और ये जो तूने अज़ा मारा है उसकी माफ़ी भी मिल जाएगी। आयत करीमा? जी बिल्कुल, सुनाएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, इस ये आपने पढ़ना शुरू किया? जी बिल्कुल, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। अरसा? ये मैंने लगातार 7 दिन पढ़ा है, और उन्होंने मुझे कहा था 313 मरतबा पढ़ना है दिन में। जी बिल्कुल, से दिन में 313 मरतबा पढ़ना। इसको जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, ऐसा 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 मैं रिकवर होती गई, और अब अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम, बहुत ज़्यादा शुक्र है, उस अंकल का भी शुक्र है, उन्होंने मुझे गाइड किया, और अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि एहतियात किया करें, मेरे जैसी लापरवाही ना करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी किया, पर अच्छा, आयत करीमा में इतनी बड़ी ताकत है कि वो हर तरह की चीज़ से इंसान को बचाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले सुना था, कभी यकीन नहीं किया, कह लें कि सरसरी सी बात थी, पर जब अपने ऊपर गुजरी है ना, उसके बाद जब उसको फील किया ना, तो अल्लाह के कलाम में इस कदर बरकत है, इस कदर शफा है कि वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती है। किसी भी असेब को, किसी भी जानवर से, किसी इंसान से, हर चीज़ से, हर मुश्किलात से इंसान को निकाल देती है। इंसान के पास यकीन होना चाहिए। बेशक यकीन करो तो ये मैं कहता हूँ एटम बम से भी ज़्यादा हिफाजत वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप नाज़रीन देखें, एक लड़की पे इतना असर होना एक सांप को मारने के बाद, कि सांप को मारते ही वो गिर जाती है, उसके बाद खून आना नाक से, सॉरी कान से, नाफ से, और घर वाले परेशान हो जाना कि खून कैसे आ गया और कोई चोट भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बाहर की होती हैं, लेकिन आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आयते ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ना शुरू किया, और किसी शाहजी की जो इन्होंने बताया, उन्होंने बताया ये पढ़ो और दिल से पढ़ो, वो दूर हो गई वो चीज़, इनको कुछ भी नहीं कर सकी। तो अल्लाह के कलाम में कितनी बड़ी बरकतें हैं, वो आपको इसकी स्टोरी, हमने ऑफिस में बुलाया कि ये स्टोरी हम करेंगे, कवर करेंगे, इस तरह के हम पसंद करते हैं, ताकि लोगों को हम इस तरह के पैगाम भी पहुंचा सकें कि ये देखें कि इनकी ज़िंदगी से आप सीखें। तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी दुश्मन हो, सांप इनके लिए एक दुश्मन बन गया, लेकिन वो दुश्मन आप मार सकते हैं, आप दुश्मनी को चिकना चूर कर सकते हैं सिर्फ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन से। ये कहानी वाकई एक यूनिक कहानी है, ये आप सब लोग इस मैसेज को फैलाएं भी, इस कहानी को शेयर करें कि देखें क्या हुआ इनके साथ, और इससे ये होगा कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग जो दुश्मनी के लिए उजार उठा लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, नहीं, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम से आप हर चीज़ से बच जाते हैं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और फातिमा को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया फातिमा। बहुत शुक्रिया आपका भी मेरी आवाज़ सुनने के लिए। थैंक यू।